अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू योर ऑन शो बुझो तो जीतो। मैं आपकी होस्ट अलीना हारून। आज हम हैं एवेन्यू शॉपिंग मॉल में, बहुत सारी बातें करेंगे आपको, लाहौर न्यूज़ की तरफ से बहुत सारे नाम देंगे, आपका टैलेंट बूझो तो जीतो हिस्ट्री की टीवी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बहुत मज़े आने वाले हैं आज, और आज आपको मैं सवाल के बता रही हूँ, जो एक सवाल है कि वी से शुरू होने वाली किसी भी दो कंट्रीज़ के नाम बता दें, और दोनों बहुत मज़े के इंटरेस्टिंग से नाम हैं, और आपको अगर जवाब नहीं आएंगे तो आप हमारे साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं, एनीथिंग जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहें। और बाहर थोड़ा मौसम ठंडा है, तो प्लीज़ अपना, अपने बच्चों का, सबका ख्याल रखें। सर्दी ज़्यादा है तो कहीं किसी को ठंड जो है वो ना लग जाए, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ठंड का ख्याल रखें। ठीक हो गया, अब मैं आपको बताऊँ कि अब हमने क्या करना है, हमें प्रोग्राम का स्टार्ट लेना है, तो आज ये लोगों से बातें करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? अली हसनैन। आपका? मोहम्मद रहमान। क्या करते हो? काम करते हैं। क्या? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई लेडीज बैग। लेडीज बैग। लेडीज बैग, लेडीज बैग वो। ओके ओके ओके, ठीक है। आज कैसे आना हुआ? बस वैसे ही आ गए हम घूमने। घूमने फिरने आए हो? यहाँ पे किसके साथ आए हो? अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ आए हो, ठीक हो गया। सवाल करते हैं आपसे। जी करें। वी से शुरू होने वाले किसी दो मुल्कों के नाम बता दो। मुल्कों के? वी केड़े केड़े। वी तो केड़े। नहीं पता। ओय 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 ओय। आबादी के लिहाज से वो कौन सा शहर है जिसमें सबसे ज्यादा आबादी है? कराची। शहर? ओह नो। दुनिया का सबसे बड़ा शहर जिसमें आबादी सबसे ज्यादा है? आबादी जिसमें सबसे ज्यादा है, वैसे तो कराची है। ठीक है, क्या सुनाएंगे आप? गाना सुनाएं। बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो पीनी पइए, थोड़े दिना तो बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो हो तेरे होंदे पींदे नहीं सा, हो तेरे होंदे पींदे नहीं सा, पीनी पइए थोड़े दिना तो बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो चोट ता ढइए थोड़े दिना तो बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तू शाम सवेरे आ जांदे सन, शाम सवेरे आ जांदे सन, खबर न लइए थोड़े दिना तो बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो हो दिल मर जाना हुण तई डर दए, दिल मर जाना हुण तई डर दए, चोट ता ढइए थोड़े दिना तो बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो पीनी पइए थोड़े दिना तो बिगड़ गई जे थोड़े दिना तो, थोड़े दिना तो। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपको
शुक्रिया जी, इन्होंने जो है गाना सुनाया आपको, बिगड़ते गई है थोड़े दिना तो ओके, जब बिगड़नी होती है तब बिगड़ जाती है। खैर वॉइस ठीक थी, एटीट्यूड थोड़ा सा इनका इमेच्योर था मगर वॉइस ठीक थी। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई भी आपके पास टूटा फूटा जैसा भी टैलेंट है, हमारे शो पर आए और अपना टैलेंट जरूर दिखाएं। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? मेरा नाम मिसेस जैदी। क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। इनका नाम? अलिशपा। कौन सी क्लास में हो? सी। ओके, बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। फ्रॉक तो बड़ा अच्छा पहना, कहाँ से लिया? मामा ने। मामा ने। आप इसकी मामा? हाँ जी। ओके, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो हैं, एक बड़ा बेटा है और ये बेटी है। हाँ जी। दोनों में ज्यादा स्टबर्न या शरारती कौन है? मेरा बेटा। अच्छा। ओके, कितना बड़ा इससे? दो है मेरा बेटा। अच्छा अच्छा, तो बड़ा है। हाँ जी। इस उम्र में बच्चे करते हैं तब, है ना? बहुत। क्या तंग करता है? जिद बहुत है कि हर चीज़ मुझे चाहिए। और ये है कि बस मुझे फ्रीडम ज़्यादा चाहिए इस एज में, ये होता है कि। लेकिन इसके डेंजर्स भी बहुत होते हैं। हाँ जी, बच्चे के मुझे बाइक चाहिए, मुझे ये मैट्रिक में बच्चे के मोस्ट बिगड़ने के चांसेस भी होते। हाँ जी। लेकिन मशवरा ये है कि अगर आप सभी को है, जैसे हम लाइक बच्चे जब थे कि जितनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस करेंगे उतना ज्यादा बच्चा भागेगा। हाँ जी, ये तो है, इसलिए थोड़ा सा लविंग होना पड़ता है। हाँ। थोड़ा सा पोलाइटली इससे बात करनी पड़ती है। और तो उसकी डिमांड पूरी हो जाएगी तो वो रिलैक्स हो जाएगा। हाँ, वरना वो उसको हर गलत तरीके से पूरी करने की कोशिश। हाँ जी, ये तो है। चले जी, मुझे बताएं आपसे कि सारा दिन घर में क्या करती हैं? कुकिंग करती हूँ, सभी काम, एवरीथिंग। ओके, हस्बैंड गुस्से वाले हैं या नहीं? नहीं, बहुत बहुत पोलाइटली है, मेरे साथ सारी हेल्प भी करवाते हैं। अच्छा, मेरी खाला है वो US में होती है और आपकी उनसे इतनी लुक मिल रही है कि एकदम तो मुझे लगा कि खाला है, मतलब बहुत ज्यादा मिल रही है। ओके, चले जी, मैं आपसे सवाल करती हूँ सांसा, मुझे बता दें वी से दो कंट्रीज के नाम हैं, वो कौन से? विंग से। वी वी वाशिंगटन कंट्री, वो W से होता है। अच्छा, विंग वी से अल्फाबेट वी। चलो मुझे बता दें दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी किस शहर में है? सबसे ज्यादा आबादी तो वैसे तो इंडिया पे है। शहर? ओह नो, इंडिया का शहर बता दूं? मैं रेसिपी भी बता सकती हूँ। हाँ, वो बता। आपने तो रोस्ट, जैसे हम लोग मोस्टली स्टीम रोस्ट वगैरह बनाते हैं, या तो आप सिंपल उसको, जब आप चिकन लेके आए तो आप उसमें पहले से उसमें सिरका लगाएं उसको, और उसको 10 मिनट 20 मिनट के लिए उसको रख दें एक साइड पे। उसके बाद उसको फिर धोएं, धो के फिर आप उसमें कट्स लगा के तो उसमें सारा मसाला लगाएं, जो भी आपने चिकन टिक्का लगाना है, कुछ भी लगाना है, फिर आप उसको आधे घंटे के लिए उसको रख दें, और फिर आप उसको फ्राई करें, और अगर फ्राई नहीं करना है तो आप जस्ट कुकर में आप स्टीम भी उसको कर सकते हैं। अच्छा। आप स्टीम में जाली रखें और उसके ऊपर सारा वो रखें चिकन, और उसके बाद उसको ढक दें, और आधे घंटे के बाद उसको निकालें, वो बिल्कुल स्टीम रोस्ट निकलेगा, और आप उसके बाद आप एज इट इज भी खा सकते हैं, वरना आप उसको फ्राई कर लें। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up a verse, we're so high, like a diamond in the sky. अरे वाह, ये लो जी लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा जी इनसे हमने बात की, और अच्छा तो इसलिए भी लगना था मुझे ज़्यादा भी, क्योंकि मेरी खाला हैं वो US में होती हैं, बेबी खाला, और इनकी मुझे इतनी लुक मिल रही थी, इतनी रिजेंबल्स आ रही थी, और मुझे बेबी खाला बहुत अच्छी लगती हैं, मेरी उनसे काफ़ी अटैचमेंट है। सो उनको देख के तो मैं आपको मिस करने लग गई हूँ, तो आई थिंक आपको जल्दी से पाकिस्तान आ जाना चाहिए। वी ऑल मिस यू। किसी और से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। मुके पास करें। नाम आपका? अतिया। इनका नाम? मुअज्जम सैयद मुअज्जम का। ओके जी, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ। आज कैसे आना हुआ? बच्चों के साथ। बच्चों के साथ आई। कितने बच्चे आपके? मेरे 3 बेटे। माशाल्लाह। ओके जी, मुझे बताएं तीनों में सबसे शरारती कौन है? ये वाला सेंटर वाला। ये तो बड़ा मसूस लग रहा है। ये सबसे ज्यादा शरारती। क्या शरारत करता है? बस भाग दौड़ में एनी टाइम। ओए होए। चले जी, मुझे ये बता दें आपसे आसान सा मैं सवाल कर देती हूँ, 100 में से 10 को हम कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 100 में से 10 को हम कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 5 बार।
है, उसमें से 10 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 10 पर. क्या शेयर करेंगे? मेरे बेटे ने पॉइंट पढ़ी. आप क्या शेयर करेंगे? बेटे तो सुनो नहीं, कुछ पकाती हैं जी? क्या सब कुछ कड़ी बना लेती हैं? हाँ जी. रेसिपी बताएं डिटेल में, सही वाली कढ़ी को हम सबसे पहले दही को ना उसको बना लेते हैं, और उसके बाद बेसन को दही को ग्राइंड करते हैं नहीं बजाने के साथ. ठीक है, कितनी देर? उसको 5 से 10 मिनट रख कर दिया. फिर उसके बाद ना वो उसके साथ कपड़े के साथ छान के साथ वो छान ली बेसन को. उसके बाद ना कढ़ी में वो जो उसका हमने बनाया होता है उसमें हमने वो डाल दी जो बेसन होता है उसको मिक्स कर लिया. मिक्स करके रख दिया. उसके बाद मसाला भुना. मसाला भून के उसमें वो जो मटेरियल था उसमें डाल के उसमें क्या क्या डाल रही हैं? मसाले में प्याज अदरक लहसुन सब उस मिर्चें वो सब उसके अंदर डाल. कितना प्याज डाला? वो उसके मुताबिक. एक पतीली कढ़ी में कितने प्याज डालेंगे हम? वो 2 प्याज डाल के. हाँ जी, नॉर्मल 2 प्याज. उसमें फिर अदरक लहसुन डाल के उसको फ्राई कर लिया. उसके बाद उसमें सब उस मिर्चें वगैरह डाल के हल्का सा पानी डाला, डाल के उसको फ्राई कर लिया. उसके बाद उसमें कढ़ी डाल दी, उसको हल्की आंच पे उसको जब तक उसको बॉयल नहीं आता. कितनी देर? वो उसको हल्की आंच पे रख देना. कितने? तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं. देन उसके बाद जाके ना उसको ना वो हो जाता है, उसके घी वगैरह आ जाए. आप चेक कर ले. फिर पकौड़े बनाए. पकौड़े बना के उसमें डाल दें. अरे वाह, पकौड़े में कोई खास है यार? मैं ये डालती हूँ या समथिंग कुछ नहीं, सिंपल पकौड़े बनाती हूँ. क्या क्या डालते हैं? प्याज उसमें और साथ सब्ज मिर्चें और धनिया वगैरह, सूखा धनिया, अनारदाना. अच्छा फुल? हाँ जी, फुल. हाँ जी. अरे वाह, वेरी गुड, यम्मी. और अब तो मेरा दिक्कत है, मैं अभी कड़ी खा. थैंक यू सो मच. इनसे कराएं जी. सुनाइए बेटा, पोएम सुनाओ. बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा इनसे बात की. और कढ़ी की रेसिपी जानी हमने. जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube पे इतनी वेल डिफाइंड नहीं होती रेसिपीज़ वगैरह, और अगर कुछ रेसिपीज़ हों तो उल्टा वो गड़बड़ कर देती हैं, क्योंकि उन रेसिपीज़ में ये होता है कि वो डिटेल में आपको बता नहीं पाते, और जिन ख़वातीन को नहीं बनाना आता खाना उनका खाना ख़राब हो जाता है. सो मैं चाहती हूँ कि वो औरतें जो खुद घर में खाना डेली पकाती हैं, जब वो रेसिपीज़ बताती हैं तो वो बहुत ही ऑथेंटिक होती है रेसिपी, और वो फुटेज के लिए नहीं बता रही होती, वो सिंपल आपको अच्छा मशवरा दे रही होती है. तो इसलिए आप बनाया करें और मजे मजे के खाना खाया करें. बाय द वे, आई लव कढ़ी. अस्सलाम वालेकुम. नाम आपका? माय नेम इज फातिमा. माशाल्लाह. इनका नाम? मिदहत बतूल. कौन सी क्लास में बेटा? 2 2 में. आप क्या करती हैं? आई एम पहले तो टीचर थी, तो आई एम अ हाउसवाइफ. माशाल्लाह. क्या पढ़ाती थी आप? प्री स्कूल. स्कूल पढ़ाती थी? वेरी गुड. वो तो बहुत मुश्किल नहीं होता बच्चों को टैकल करना, लेकिन फिर भी मतलब गट्स होते हैं ना आप लोगों को. वही तो कह रही, बहुत मुश्किल है ना, बड़ी डिफिकल्ट और बड़ी मैं कहूँगी बड़ी काबिल होने वाली जॉब है कि बच्चों को पढ़ाना. चले जी, आपसे एक आसान सा सवाल कर लेते हैं. मुझे बताएं 100 में से 10 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 100 में से 10 बार? नो, अगर इतना आसान होता तो सवाल ना होता. थोड़ा सा अलग तरीके से सोचे, 100 में से 10 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 5 टाइम. 100 में तो 10 को 10 टाइम ही माइनस कर सकते हैं. क्या इसको शायद समझ आ जाए? 100 में से 10 टाइम 10 को माइनस कर कितने टाइम कर सकते हैं? क्या सुनाओगी? पॉइंट पॉइंट सुनाओ. रेड लाइट, सामने देखो. लाइट, व्हाट डू यू से? I say stop and stop right away. Yellow light, what do you say? I say start and start right away. Green light, what do you say? I say go and go right away. Wow! Very good. और आप क्या शेयर करेंगे? क्वेश्चन तो मैंने कर लिया. आपको टिप देंगी बिना टीचर या बच्चों से रिलेटेड कोई मशवरा देंगी? बच्चों को बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि आजकल तो वैसे ही कोरोना की वजह से स्कूल सारे बंद हुए हैं, छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई हैं, तो आप बराए मेहरबानी मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में और पार्क्स में, किसी भी गार्डन में ना जाएं, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो आप जितनी केयरफुल रह सकते हैं उतना रहें. थैंक यू सो मच जी. के लिए
लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए बस जी। अच्छा लगा इनसे बात की और मजे की बात है कि इन्होंने जो है वो बच्चों को पढ़ाया हुआ एक ज़माने में, और मैं बताऊँ बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल होता है, बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल होता है, तो छोटे बच्चों को पढ़ाना कितना वो मैं कहूँगी प्रॉब्लम रखता होगा। आप लोग के साथ एक्सपीरियंस एक शेयर करती हूँ कि मैंने एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में टीचर बनी, यानी कि लेक्चर्स दिए मास्टर्स को, और जब मैंने उनको लेक्चर दिए तो आई वॉज लाइक ओ भाई मैं नहीं समझा सकती। आई वॉज लाइक मेरा एटीट्यूड ये था मुझे नहीं पता, ये है समझना समझो वरना दैट्स इट। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि टीचर्स की क्या वैल्यू होती है, हम टीचर्स को तंग करते हैं, और जो टीचर्स हमारे होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, वो बहुत हमें हेल्प आउट करते हैं, हमारे लेम से लेम क्वेश्चन का जवाब देते हैं, तो रिस्पेक्ट करें अपने तमाम टीचर्स का। जी नाज़रीन टाइम हो गया है एक ब्रेक का, इसमें से बस इतनी खुश होने वाली तो कोई बात नहीं है, लेट्स हैव अ ब्रेक। बुलंदशहर अच्छा वी से आप कहाँ रहती हैं? इतने मुश्किल सवाल कहाँ से लाती हैं आप? ये मैं नहीं लाती, ये हमारा प्रोड्यूसर है अहमद, ये वो लेकर आता है ऐसे सवाल के बस कानों से धुआं निकला है। बाजरा तुल वंजने, बाजरा तुल वंजने, मसाला राइस की हाँ यम्मी ठीक है। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मेरा नाम नूरुन्निसा है। माशाल्लाह क्या करती हैं आप? मैं जॉब करती हूँ। क्या जॉब आपकी? मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। ओह वाओ, बस बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कहाँ से लिया? आप भी बहुत प्यारी लग रही। ये मैंने यहाँ से लिया है। अरे वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। जब वहाँ पे खड़ी थी तभी मेरी नजर पड़ी थी, कलर भी बहुत अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। ओके जी, मुझे बताएं आज कैसे आना हुआ? आज शॉपिंग और इट्स न्यू ईयर, तो शॉपिंग करने की वजह कोई खास? यस, मेरा बर्थडे आ रहा है 9 जनवरी को, तो तभी। एडवांस हैप्पी बर्थडे। क्या उम्र हो जाएगी? मेरी 24। ओके ठीक हो गया। मुझे बताओ फैमिली में बड़ी हो छोटी हो? मैं सेकंड पे हूँ और वो बड़ी है। वो बड़ी होने का रोब जताती है? और आप छोटी होने की वजह से तंग करती हो? हाँ मैं बहुत फायदे उठाती हूँ। अरे वाह, चलो आपसे शान सा सवाल करती हूँ। 20 से किसी भी दो कंट्रीज के नाम बता दो। 20 से वर्माने करके है कुछ, और 20 से वेलेंसिया। अच्छा 20 से आप कहाँ रहती हैं? मैं तो डीएचयू रहती हूँ। अच्छा, मुझे वेलेंसिया बहुत पसंद है, उसकी अगर रेसिंग करनी हो तो उसकी आप जगह पे जाके कर सकते हैं। बहुत खुली खुली सड़कें विदाउट ब्रेकर्स, डिफेंस में तो ब्रेकर्स ही इतने ज़्यादा हैं। अच्छी बात है ना। हाँ लेकिन रेसिंग के लिए बता। अच्छा चलिए जी, क्या शेयर करेंगे? यार मैं करना चाहूँगी ब्यूटी टिप्स में ये है कि जो भी हो कि आप वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, और जो है आप बिल्कुल खाली पेट, आप गरम हल्का सा, इतना भी गरम ना हो कि वो आपका मुंह जला दे, और वार्म वाटर में आप, हाँ नीम गरम है, आप 1 स्पून ऑफ हनी और 1.5 जो स्पून है वो लेमन सिट्रस जूस ऐड करके पिए तो ये बहुत अच्छा होता है। मतलब आप पूरा दिन फ्रेश रहते हो, बेशक आप सारी रात सोए हो या ना हो, अगर आपको बेशक 2 और 3 जॉबिंग्स के यही मसला होता है कि उनको टाइम जो है ना वो कम मिलता है सोने का, तो आप पूरा दिन फ्रेश रहते हो और आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग रहती है। और बस बिल्कुल बहुत अच्छा आपने जो है वो टिप बताई है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छी बात यह है कि जो इन्होंने बताया ये बिल्कुल सही बताया इन्होंने, और आपने क्या करना है कि हनी ज़रूर ऐड करिएगा वरना खाली, आपको पता है कोरोना है तो गला ना ख़राब कर लीजिएगा। कोरोना में गला ख़राब होना यानी कि बहुत बड़ा मसला होना, तो आपने ज़रूर ये पिए। और मैं आपको बताऊँ जिन लोगों को एसिडिटी होती है या
वो कहते हैं खाना खाओ तो चेस्ट बर्निंग जिसको कहते हैं वो होती है, वो नहीं होगी क्योंकि बिंग जॉब पर्सन आपकी खाने की रूटीन बहुत गंदी होती है। मिड नाइट में चिप्स खा, आई एम टू बैड, मैं रात को सोते हुए जाऊँगी और एकदम दिल करेगा मेरा चिप्स खा लूँ और खा के वहीं सो जाऊँ, तो इन वजह से आपको एसिडिटी होती है, आपके सीने में जो है जिसको जलन कहते हैं बर्निंग होती है, इससे पीने से बॉडी में सिट्रस होता है, वो एसिडिटी को ख़त्म करता है, तो इट्स वेरी वेरी हेल्दी, ज़रूर खाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? नजम। नजम क्या करते हैं? मैं जॉब करती हूँ। ओके नजम, मुझे जल्दी से एक सवाल का जवाब बता दो, 100 में से 10 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं? 9। नो, माइनस पे भी तो जाना चाहिए, माइनस पे भी होते हैं। क्या माइनस? इतने मुश्किल सवाल कहाँ से लाती हैं? ये मैं नहीं लाती, ये हमारा प्रोड्यूसर है अहमद, ये वो लेकर आता है ऐसे सवाल के बस कानों से धुआं निकल आए। तो आप जितने व्यूवर्स टीवी पे देख रहे हैं, जितना आपने बुरा भला कहना है आप अहमद को कह सकते हैं, मैं तो खुद मासूम हूँ। नो डाउट है ना, उन्होंने बताया। नो डाउट, नो डाउट। क्या शेयर करोगे? एक ब्यूटी टिप्स बता दो। बाल जो स्ट्रॉन्ग बनाना है ना, तो आफ्टर टेकिंग शॉवर वॉश के बाद आपने टॉवल यूज़ नहीं करना, 90-95% यूज़ लोग यही करते हैं। हाँ। या फिर टॉवल यूज़ करते हैं, टॉवल से बालों को खुश करते हैं, या फिर उसी वक्त झड़कते हैं या कंघे करते हैं, तो वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही वीक उस टाइम होते हैं। सो आप पहले हेयर ड्रायर से उसको खुश करना चाहिए बालों को, उसके बाद आप कंघे करते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली। बहुत अच्छी टिप दिया आपने, थैंक यू सो मच। लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया आपका बाल जो है वो इलास्टिक होता है, जब कभी आप नहाने के बाल अपना एक बाल सर का तोड़ के देखिएगा वो स्ट्रेच होगा, जब बाल गीला होता है तो वो स्ट्रेच होता है, और अगर आप गीले बाल को ब्रश करेंगे या गीले बालों को टॉवल से झड़केंगे तो बाल बहुत ज़्यादा गिरना शुरू होते हैं, आपको नहीं पता चलता, मगर आप ऐसा ऐसा देखते हैं आपके बाल कमज़ोर होते हैं, क्योंकि गीला बाल स्ट्रेच करता है। बालों को आराम से नेचुरल हवा में खुश्क होने दें, फिर कंघी करें, वो कभी भी नहीं टूटे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? इश्तियाक अहमद। इश्तियाक, सामने देखो क्या करते हो? मैं बस मेहनत मजदूरी करता हूँ। मुंह के पास देखे हो माइक को। अच्छा, क्या मेहनत मजदूरी करते हो? बस लोडर रक्षा चलाता हूँ। ओके, ये कान में कैसे गलत लगाई हुई, इसको सही करके लगाओ। कैसे लगाने है? ये कान में ऐसे नहीं, इसको नीचे करो ऐसे। हाँ, इसको नीचे करो थोड़ा ऐसे। हाँ ऐसे, ठीक है। ओके, मुझे ये बताओ कि आज कैसे आना हुआ? जी आज कैसे आना हुआ? बस मैं आया हूँ एंजॉयमेंट के लिए। एंजॉयमेंट के लिए आए हैं आप? अक्सर एंजॉयमेंट के लिए इधर ही आते हैं? नहीं, वैसे मुंह के पास माइक करो। सारा दिन अपना काम करते हैं, मेरा मजदूरी करते हैं। Okay. रात को आते हैं बस एंजॉयमेंट के लिए। चलो बोलो अब्दुल गोल गपंगम। 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 पंगम नहीं है, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। आप पंगम कह रहे हो, गौर से सुनो। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। नो यार सुनो। अबे सवाल भी कैसा कर दिया है? सवाल नहीं है ये, बोलो अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। हमारी जबान भी यार मुँह के पास करो। हाँ पठान हो? नहीं पठान तो नहीं है, तो पंजाबी, लेकिन पंजाबी ज्यादा बोलते हैं इसलिए। तो अब पश्तो कह रहे थे, तुम बोलते हो? पश्तो भी बोल लेते हैं। चलो क्या सुनाओगे? मैं आज सुनाऊंगा शफाउल्लाह रोखड़ी की, मरहूम अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मकाम दे, मरहूम शफाउल्लाह रोखड़ी उनका मशहूर इस सॉन्ग कोई रोही याद करेंदी है। सुना दो। बंगला गोलो सी, बंगला गोलो सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी, अल्लाह दिया अल्लाह जाने ओ केड़े हाल च ढोलो सी,
कोई रोही याद करें दिए ढोला वल्ला तू नित सनेड़े दें दी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करें दिया बाजरा तुल वंजना बाजरा तुल वंजना असा तेनू छोड़ दिता है तय दर दर रुल वंजना है असा तेनू छोड़ दिता है तय दर दर रुल वंजना है कोई रोही याद करें दिए ढोला वल्ला तू नित सनेड़े दें दी ढोला वल्ला तू कोई रोही याद करें दिया बूटारा नाले बूटारा नाले झगड़ वकीला वे ओ यारी बेपरवाह नाले झगड़ वकीला वे ओ यारी बेपरवाह नाले कोई रोही याद करें दिए ढोला वाले आ तू नित सने खड़े दें दी ढोला वाले आ तू कोई रोही याद करें दिया रंग कीता लारी नू रंग कीता लारी नू कदना मिल सी चन्न में दर्दा मारी नू कदना मिल सी चन्न में दर्दा मारी नू कोई रोही याद करें दिए ढोला वाले आ तू नित सनेड़े दें दी ढोला वाले आ तू कोई रोही याद करें दिया आपने तो रिकॉर्ड को भी रुला दिया वो देखें आपके गाने में वो ऐसे झूम रहा था इतना जबरदस्त भाई जबरदस्त ख्वाहिश थी एक शफाउल रोकड़ी की तेरी का सॉन्ग गाने की मरूं अल्लाह उनको जन्नत में अल्लाह मकाम दे मेरी बहुत खुश आपने ये चैनल पे लाना है ये मुंह के पास रखो अब हिलाना मत हाँ बोलो ये चैनल पे नहीं ये तो मजाक कर रहे थे मैं ये कहना चाहता हूँ मरहूम शफाउल रोकड़ी जो है ना उनको मैं उनको दिल से चाहता था उनके दिल से सॉन्ग गाना चाहता था और भी काफ़ी सॉन्ग आते हैं लेकिन बस वो फौत हुए हैं तो वो दिल नहीं करता उनके गाने के लिए लेकिन शफाउल रोकड़ी का जो बेटा है वो तो गाता रहता हमें तो खुद को बहुत एहसास होता है गाने का ना जो जो वो सॉन्ग रिलीज़ करवा रहा होता है हमें एहसास होता है दो माह हुए हैं वो गाना गा रहा होता है लेकिन उनकी अपनी हेडेक है हमने तो ये बहुत छोड़ दिया था सुनना भी छोड़ दिया था आपको पता है आपने वहाँ से इंटरव्यू स्टार्ट किया था और आप यहाँ तक आ गए और मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ करें हमारे कैमरामैन शबीर भाई को कि वो उसके साथ साथ आपको दिखा रहे हैं अभी मुझे लग रहा है आप मौसे से बाहर ना चले नहीं मौसे से बाहर नहीं जाता बस पैसे ये माइक भी पहली पहली बार पकड़ा माइक डिप्रेशन भी है डिप्रेशन क्यों डिप्रेशन देखने वाले हैं मॉल में भी मैं आपसे पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए डिप्रेशन में ना जाना प्लीज नहीं मतलब थोड़ी डिप्रेशन है और ज्यादा तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह बोल लेते हैं जैसे भी कुछ सुन लेते हैं आपका दिल बहुत अच्छा है लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए जी बहुत ही मासूम सा पर्सन है और वो डिप्रेशन में चला गया माइक पकड़ने की वजह से उसका कहने का मतलब था कि वो नर्वस हो रहा है डिप्रेशन नहीं मुझे समझ आ गई थी इसकी बात किसी और से बात अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम नाम आपका इसको थोड़ा सा पास नुसरत क्या करती हैं कुछ भी नहीं मैं घर में होती कितने बच्चे हैं आपके मेरे बच्चे एक बेटा एक बेटी ये क्या? बेटा है मेरा बेटा है और एक बेटी भी है जी, वो शादीशुदा है जी वो गुजरात में ओके कैसे हैं दोनों आपके बच्चे शरारती हैं या अकलमंद है अकलमंद अकलमंद हाँ जी शुक्र अल्लाह दोनों में ज्यादा लाडला कौन है या लाडली दोनों ही लाडली हाँ जी ओके माशाल्लाह चलिए जी मुझे बताएं आपसे आसान सा आपसे क्या सवाल करूं आप तो इतनी प्यारी लग रही हैं आपको वो बता दूं रेसिपी बता दे मसाला राइस की हाँ यम्मी ठीक है
आपने इस तरह करने के दो ले लेनी शिमला मिर्च, उनको बारीक बारीक काट लेना है। एक गाजर ले लेनी, उसको भी बारीक बारीक काटना है। थोड़े से मटर लेने हैं और चिकन बॉयल की ना बोटियाँ छोटी छोटी काट लेनी है, और आलू फिंगर चिप्स की तरह के काट के इनको फ्राई करके रख लेना है। उसके बाद जितने आपके चावल हैं ना, उतने आपने चम्मच बीच में नमक के डालने, छोटे वाले चाय वाले, ठीक है, और थोड़ा सा जर्दा रंग डालना है। एक कनी रख के उन्हें बॉईल कर लेना है, फिर वो चीजें जो हमने फ्राई की हुई थी वो बीच में डाल के दम दे देना है। जब दम आ जाए तो वो रेसिपी तैयार। अरे वाह, जबरदस्त। शौक से कौन बनवाता है? सारे खाते हैं शौक से। अच्छा, हां जी, लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए बहुत शुक्रिया आंटी। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत अच्छा लगा हमने इनसे बात की, और आंटी बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी सी हैं। और मैं यही कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स हैं, प्लीज़ प्लीज़ अपने पेरेंट्स की कदर करें, और पेरेंट्स को भी कहूँगी जिनके बच्चे हैं वो अपने बच्चों की कदर करें, हर कोई एक दूसरे की कदर करें और प्यार करें। ख़ास तौर से बच्चे अपने पेरेंट्स की ज़रूर कदर करें, क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखें। जी नाज़रीन, टाइम हो गया है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वापस आते हैं। लेट्स चलो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वो भी कह रहे जी, दुआ लगाओगे ना ठीक हो जाएगा। जी ब्रेक से वापस आ गए, तो और भी लोगों से बातें करते हैं। चलें, अस्सलाम वालेकुम। मुँह के पास करें भाई। वालेकुम सलाम। नाम आपका? मोहम्मद रियाज। आपका नाम? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद उस्मान। मोहम्मद रियाज। आपका? उसके पास करें। कौन सी क्लास में हो? मैं 4। ओके, एक सेकेंड, आप क्या करते हैं? ओके, चले जी। बच्चों क्या सुनाना है आप लोगों ने? उसको दे दें माइक। मैं पोइम सुना दूंगा। सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the first so high, like a diamond in the sky. Wow! चलो इसको भैया को दे दो। चलो। आप क्या सुनाओगे? सुनाओ। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the first so high, like a diamond in the sky. Wow! लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका, शाबाश जी। अच्छा लगता है बच्चे कैमरे में आए तो एटलीस्ट कैमरा को फेस करें प्रॉपर, और पीछे पीछे जो बच्चे हटते हैं उनको कैमरा को फेस करना नहीं आता, विच इज़ नॉट सो गुड। किसी और से बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? ज़ैनब फातिमा। भाई क्या करो? नाम आपका? शेरियार। कौन सी क्लास में बेटा? 9th। और क्या बनना चाहते हो लाइफ में? आर्मी में ज्वाइन करना चाहते। आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, वेरी गुड। और खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे पिज्जा, पिज्जा फास्ट फूड। और घर के खानों में क्या पसंद है? घर के खाने में बिरयानी। गुड। मामा ज्यादा अच्छी लगती है पापा? दोनों अच्छी लगती है। ज्यादा मामा। बहना को दे दो जी। क्या बनना है बड़े होके? डॉक्टर। मामा ज्यादा अच्छी लगती है पापा? दोनों। ज्यादा पापा। पापा, ओके जी। अच्छा जी, दोनों के ऑपोजिट हैं। ओके, मुझे बताओ आप दोनों बहन भाई हो? Yes. लड़ते हो? किस बात पर लड़ाई होती है? जानबूझ के मारते हैं। है? जानबूझ के मारते हैं। जानबूझ के मारते हो? नो। लग रहा है मुझे तुम मुझे शरारती लग रहे हो। मारते हो? क्यों? क्यों? तंग करती हो? तुम भी मारती हो? क्यों? दो लगाओ ठीक हो जाएगा। वो भी कह रहा जी, दो आ लगाओगी ना ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, चलो मुझे बताओ क्या सुनाओगी? Point. सुना दो। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Like a diamond in the sky, up above, what so high. अगला पीछे कर दिया, पिछला अगला पीछे कर दिया। भैया को दे दो। पास खड़ी हो जो भाई के। क्या सुनाओगी? आपको तिलावत सुना दे। चलिए माशाल्लाह सामने देखो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم ما شاء الله جزاك الله یہ آپ کی بہن ہے جی
ओए लड्डू क्या खाती है ये? सब कुछ खाती है, खाती है और उसके बाद में आइसक्रीम सिरले खाती है। अरे वाह, भैया को सारा पता है। आपने कभी खिलाया? हाँ जी, कभी कभी खिलाता है। हाँ, न्यूज़ की तरह से आप लोगों के लिए। थैंक यू बच्चों। जी भाई को पता है मैश पोटैटो सीरिलैक खाती है, एग खाती है, यानी कि भैया भी जो है बड़े भाई होने का खूब रोल अदा करता है। अच्छा, जो छोटा बच्चा होता है ना उसके साथ ये ज्यादती होती है कि बड़े वाले हर कोई उसको टकाता रहता है। अक्सर मैंने छोटे बच्चों को देखा है, वो कहते हैं कि बड़े बहन भाई ने मारा। अच्छा, मैं सबसे छोटी थी और माशाल्लाह मैं मतलब ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ कि सबसे छोटी थी, मैंने कभी मेरे किसी बहन भाई ने मुझे बचपन से लेकर अब तक नहीं मारा। हाँ, मैंने शायद ज़रूर मारा होगा कभी। मैं अपने भाइयों के बाल बहुत खींचती होती थी और वो बेचारे खिंचवाते रहते थे, उनके बाल खींचती थी, बहन को भी तंग करती थी। अभी तक मैं मुझे गुदगुदी करने की बहुत आदत है, शौक है, तो मैं भागती हूँ उनके पीछे और उनको गिरा देती हूँ, गुदगुदी करती। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है गुदगुदी करने का मुझे हारून को, मेरे हस्बैंड को, उनको बहुत ज़्यादा होती है, वो भागते मुझे किसी और से बात करें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त हो गया, ख़त्म, लेनी पड़ेगी आपसे इजाज़त, मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्रोग्राम बूझो तो जीतो जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार शाम को 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर देखें, जो कि नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 5 और 11 बजे रिपीट होगा, देखना ना भूलें। आई एम अलीना हारून को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब पर फॉलो करें, अपनी राय का इजहार करें। ओके, लेट मी टेल यू द आंसर्स। वी से शुरू होने वाली दो कंट्रीज के नाम हमने बताया था, एक तो वियतनाम है और दूसरे का क्या था? लो जी मैं खुद भूल गई हूँ। अच्छा, और 100 में से 10 को कितनी बार माइनस कर सकते हैं? तो सिर्फ एक बार माइनस कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद वो 90 रह जाएगा, फिर देन आपको 90 में से माइनस करना पड़ेगा। 100 में से सिर्फ 10 एक बार माइनस होगा, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज़ किया करें और इसी तरह हमें प्यार करें, इसी तरह हमको फॉलो करें। बूझो तो जीतो को हमेशा से टॉप रेटिंग पर रखें और हमें हमेशा से जो है इसी तरह फॉलो करते रहें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।